वो बैट उठा के मैंने उसके सर के ऊपर बहुत दफ़ा मारा था। अच्छा। तो वो ना मैंने उठा के उसके सर पे मार दिया, उसकी वजह से वो मर गया। उसको मैंने बाहर सड़क पे फिकवा दिया। पहले मेरे खाम में मेरे वो सामने मेरी बकरी को डसा, और फिर मैं जब सुबह उठी तो मैं बाहर गई अपनी बकरी को, देखा तो मेरी बकरी को रियल में डस दिया उसने। अच्छा, पहले ख्वाब में वो आया? हाँ जी, पहले ख्वाब में आया, फिर उसने मेरे सामने मेरी बकरी को डसा। वो सांप की माँ जो है, नागिन? हाँ जी, नागिन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली, और आज की जो कहानी है वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म की भी कहानी है, डरावनी भी है, कि एक सांप के बच्चे को एक लड़की मारती है अपने घर के कमरे में। कैसे वो सांप का बच्चा आता है, फिर उसके बाद उस सांप की माँ इसके पहले ख्वाब में आके इसकी बकरी को मारती है, फिर असली का मारती है, फिर गाय को, फिर भैंसों को, क्या सारी कहानी है। कैसे वो पहले ख्वाब में आती है, फिर इसको रियल में वो मारती है और इसको मारना चाहती है, वो इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? रुखसार। रुखसार, मुझे ये बताओ कि एक सांप के बच्चे को आपने कैसे मारा, जिसके बाद आपकी भैंसें मार दी, गाय मार दी, बकरी मार दी, उस सांप, क्या सारी कहानी है, मुझे बताओ बच्चा कैसे मारा। मैं एक दिन अपने रूम में स्टडी कर रही थी, मैं अपनी बुक उठाने लगी थी टेबल के ऊपर से, तो मेरी बुक के ऊपर वो सांप का बच्चा बैठा हुआ था। मुझे कुछ बुक पे कैसे आ गया वो? बुक पे ये मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन जब मैंने बुक उठाने की कोशिश की, उसके ऊपर सांप बैठा हुआ था। जब मैंने वो बुक उठाई तो उसके ऊपर सांप था, सांप को देख के मैं डर गई थी। तो मैंने ना, मुझे और कोई समझ नहीं आई, मेरे पास बैट पड़ा हुआ था, वो बैट उठा के मैंने उसके सर के ऊपर बहुत दफ़ा मारा था। किस, कौन सा बैट था, भाई का? हाँ जी, भाई का बैट था। तो वो ना मैंने उठा के उसके सर पे मार दिया, उसकी वजह से वो मर गया। उसको मैंने बाहर सड़क पे फिकवा दिया। वो किसने फेंका सांप का बच्चा? भाई? मेरे भाई ने। तो आपने भाई से कहा कि इसको फेंको? हाँ जी, तो मैंने। आप डरी नहीं हो कि सांप का बच्चा कमरे में? डर गई थी मैं, तो अपने रूम से बाहर जा रही थी, लेकिन मैंने कहा मेरे घर में कोई भी नहीं है, तो मैंने कहा मैं खुद ही मार सकती हूँ उसको। फिर मैंने बैट उठाया, उसके सर पे मार दिया, और फिर मैंने अपने भाई से बाहर उसे फिकवा दिया। मुझे ये बताएं, उसके बाद जो आप, क्या हुआ कि सांप की जो माँ नागन, वो आपके जो है वो आपकी दुश्मन बन गई? उसने कैसे जो है आपके ख्वाब में आती है और फिर वो चीज़ें करती है? पहले मेरे ख्वाब में मेरे वो सामने मेरी बकरी को डसा, और फिर मैं जब सुबह उठी तो मैं बाहर गई अपनी बकरी को, देखा तो मेरी बकरी को रियल में डस दिया उसने। अच्छा, पहले ख्वाब में वो आया? हाँ जी, पहले ख्वाब में आया, फिर उसने मेरे सामने मेरी बकरी को डसा। वो सांप की माँ जो है, नागिन? हाँ जी, नागिन। अच्छा। तो फिर मैं सो गई थी, फिर मुझे ख्वाब आया कि ना, मैं देख रही हूँ कि एक सांप है, वो जो मैंने सांप मारा उसकी मम्मा है, वो उसने मेरी गाय को डस लिया, मेरी गाय को डसा। मैं जब सच में उठी तो सच में उसने मेरी गाय को डसा हुआ था, लेकिन मैं बाहर जाके बहुत ज़्यादा डर गई। ये कितने दिनों के गैप से हो रहा था सारा? 2 से 4 दिन का गैप था। हाँ, 2 से 4 दिन का गैप था। अच्छा, 2 से 4 दिन के गैप में आपकी गाय मार दी, फिर क्या हुआ? मैं जब बाहर आई तो मैंने देखा कि वो मेरी भैंस को काट के तो उसने डस लिया था। उसने डस लिया था, तो वो मैंने देखा कि वो सांप लकड़ियों की तरफ से बाहर को भाग के जा रहा है। वो आपको भागते हुए नजर आया? हाँ जी। भैंस को काट के? हाँ जी। बकरी भी आपकी मर गई, गाय भी और भैंस भी? हाँ जी। ये तीनों आपसे दुश्मनी का मतलब लिया। उसके बाद आपने किसी जगह कुछ बताया, किसी से हेल्प लेने की कोशिश की? हाँ जी, वो मेरे पापा थे, उन्होंने कहा एक बंदा है, आप उससे बात करें, वो आपको कोई ना कोई हल बता देगा। हमने जब उससे बात की तो वो कहता है रावी दरिया के पानी से अपना घर धो। अच्छा, रावी के पानी, उसने कहा कि आप अपने घर को रावी के पानी से सारा धो। हाँ जी। तो आपने धोया? हाँ जी, धोया था। तो धोने के बाद जब मैं शाम को अपने रूम में आई तो मैंने देखा कि वो सांप जो है मेरे बेड पर बैठा हुआ, और मैं रावी के पानी से जिसने मच्छर दिया उसके बाद भी आपके बेड पर बैठा हुआ? हाँ जी। तो जब मैं अपने रूम में आई ना, तो वो मेरे बेड के ऊपर बैठा हुआ, जब मैंने उसको देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैं चीखी बहुत ज़्यादा, चिल्ला मारी, हाँ चीखे मारी, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद जब मैं डर गई, मैं बाहर चली गई, उसके बाद मेरे पापा और मेरे भाई वगैरह सब आए, उन्होंने वो डंडे लेके उसके पीछे भागे, लेकिन वो भाग गया। अच्छा, लेकिन वो भाग गई। हाँ जी। क्या मतलब, ये तो आप मुझे भी डरा रही हैं, ये आपके साथ हो रहा है? सच में हो रहा है। अच्छा, रियल में। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आपने कोई और हल नहीं निकाला, वहाँ से चले जाते उस घर से? हमने वो घर छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे तंग कर रहा है। जब घर चेंज किया, घर चेंज करने के बाद भी वो मेरे ख्वाब में आ रहा, मुझे तंग कर रहा था। फिर मैंने अपने पापा को बताया, तो मेरे पापा को बताया कि पापा वो मुझे अभी भी तंग कर रहा है। ठीक है। तो पापा मुझे वो तंग कर रहा है अभी भी। तो मेरे छोटा भाई जो, उसने भी अभी देखा है। अच्छा, उसने दोबारा देखा? हाँ जी, उसने अभी देखा दोबारा ना, कि हमारे मोहल्ले में आया हुआ वो। अच्छा, वो दोबारा आया हुआ और तुम्हारे ख्वाब में भी आया? हाँ जी। तो इतनी दुश्मनी कर सकता है एक सांप? हाँ जी, जाहिर है, उसके बच्चे मैंने मारा है तो वो मेरे पीछे तो जरूरी पड़ेगा। तो मुझे ये कहानी हो रही है तुम्हारे साथ? हाँ जी, ये मेरे साथ रियल में हो रही है। और ख्वाब में भी आ गया? ख्वाब में भी आता है।
इतनी दुश्मनी एक सांप कैसे ले सकता है, ये बड़ी हैरानी की बात है। तो अब इसका ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आके पूछना चाहती है हल, इसका कोई बताए, कमेंट में कमेंट करे ताकि ये देखे कोई कमेंट और उससे इसको कोई हल मिले, वरना इसकी आपको मतलब वो मारना चाहता है। हाँ जी, वो मुझे मारना चाहती है, अपने बेटे का बदला लेना चाहती है। हाँ जी, ये बड़ी डरावनी। तो आपकी फैमिली में डर पैदा है उसका अभी भी? हाँ जी, अभी भी सारे खौफ में आए, वो सारे डरते हैं कि कहीं आने जाए ना जाए। हाँ, तो तुमने उसकी हिफाजत के लिए क्या किया हुआ है, कुछ किया हुआ है कि बाहर डंडे छंडे घर में रखे हैं कि नहीं? डंडे वगैरह रखे हुए हैं अभी फिलहाल मेरे मामू और मेरे भाइयों वगैरह ने। अच्छा, पापा वगैरह ने। अच्छा, तो उसका मतलब नाज़रीन ने अभी जो है कह रही है कि डंडे वंडे रखे हुए हैं, लेकिन अब इससे डर बढ़ा है तो कहीं भी जाती है और डर के बाहर निकलती, इसका जीना जो है मुहाल हुआ है, बाहर निकल भी सही तो नहीं सकती होगी। जी, मैं बाहर भी नहीं जा सकती ज़्यादा, अपने रूम में भी बहुत ज़्यादा मुझे खौफ आता है। सांप इतना दुश्मनी करता है इंसान से? हाँ जी। अगर उसके बच्चे को मार दो? जी, उनका बच्चा है, जाहिर है उन्होंने बदला तो लेना ही है, बदला लेना है। लेकिन आपको इसका हाल कोई बताए, इसको अगर कोई बताना चाहता है तो कमेंट में जो है वो बता सकता है कि इसका क्या हाल है, ताकि इसकी ज़िंदगी आसान हो सके। और इसका हाल यही है, अल्लाह का कोई ये जो है कलाम कुरान मजीद यही हल है। और लेकिन उसकी सही बात आप लोग बता सकते हैं, आप में से कोई मौलाना या कोई कोई देख रहा हो जो सही तरह बता सके, वो कमेंट में आप बता सकते हो इसका हल। और अगर आप कमेंट में बताएंगे तो ये आप इसका रब्ता भी आपसे हो जाएगा, आप नंबर अपना लिखते हैं या कुछ ऐसा। फिलहाल मुझे और अक्सार को आप इजाज़त दें इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि इस सांप से ये ज़रूर बच पाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।